press the bell icon for notification. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों का एक साझा इतिहास रहा है। पाकिस्तान जो कभी भारतीय महाद्वीप का एक भाग हुआ करता था, वो अगस्त 1947 के बाद एक अलग इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उभरा। समय के साथ चीज़ें बदली, सीमाएं बनी, मगर आज भी अतीत की यादें और परंपराएं बरकरार हैं। एक इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद पाकिस्तान में कई सारे प्रमुख हिंदू मंदिर मौजूद हैं और ये मंदिर उन हिंदू कम्युनिटी के लोगों द्वारा बनाए गए थे जो पार्टीशन से पहले यहाँ बसे हुए थे और जब इंडिया और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली कोई सीमा भी मौजूद नहीं थी। ये सारे मंदिर पाकिस्तान के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्टेटस को प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है कि पार्टीशन के समय पाकिस्तान ने कुछ 400 हिंदू टेम्पल्स को इनहेरिट किया। हिस्ट्री की मिस्ट्री की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद कुछ पॉपुलर मंदिरों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद कटास राज मंदिर को हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में से एक रूप माना जाता है। कटास का असली नाम कटाक्ष या कटक शल हुआ करता था, जो कालांतर में कटास बन गया। संस्कृत में कटाक्ष का अर्थ होता है रोती हुई आँखें। कटास राज में विभिन्न धर्म एवं सिविलाइजेशन की अनेक ऐतिहासिक इमारत मौजूद हैं जो डिफरेंट टाइम्स ऑफ पीरियड में बनाई गई थी। इनमें से सबसे प्रमुख इमारत कटास राज के शिव मंदिर और सत्यग्रह के मंदिर की है। फिर भी हिंदुओं के लिए इस हिस्टोरिकल साइट से जुड़ा पवित्र तालाब ही सबसे खास माना जाता है, जो कई मंदिरों के बीच बना हुआ है। माना जाता है कि ये तालाब प्राचीन काल से मौजूद है और महाभारत के अनुसार इस तालाब की खोज पांडवों के द्वारा की गई थी, जो पानी की खोज में निकले थे। जनश्रुतियों के मुताबिक ये तालाब भगवान शिव के आंसू के प्रतीक हैं, जो शिव जी की आंखों से अपनी पत्नी सती के मृत्यु के बाद निकले थे। वो आंसू इतना ज्यादा बहे कि उनके आंसुओं से ये तालाब बन गया। इस तालाब और भगवान शिव के इस लीजेंडरी कनेक्शन के चलते ये तालाब इस पूरे कटास कॉम्प्लेक्स का प्रमुख स्थल बन गया है और इस तालाब को काफ़ी पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस तालाब में किसी विशेष ओकेजन में नहाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी माना जाता है कि इस पूरे मंदिर का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, जिन्होंने खुद अपने हाथों से शिवलिंग को मंदिर के अंदर स्थापित किया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इनमें से कई सारे मंदिरों का निर्माण कश्मीरी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन में 11वीं शताब्दी में की गई, जब ये क्षेत्र पंजाब के साथ कश्मीरी किंगडम के अधीन में आए। कटास राज केवल हिंदुओं के पवित्र जगह नहीं है, बल्कि उस तालाब से कुछ ही दूरी पर एक गुरुद्वारा हुआ करता था, जहाँ माना जाता है कि गुरु नानक देव साहब अपने विभिन्न धर्मों से जुड़ी मंदिरों के दर्शन यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे। कटास राज में मौजूद राम मंदिर के बगल में एक हवेली का अवशेष है, जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जनरल हरि सिंह नलवा की हवेली हुआ करती थी। इस हवेली के पीछे आंशिक रूप से एक्सक्यूट किया गया बुद्धिस्ट स्तूप का भी प्रमाण मिलता है, जो मौलिक रूप से टेंपल कॉम्प्लेक्स था और अशोक के टाइम पे बुद्धिस्ट कॉन्टेक्ट में आने के बाद बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में प्रमुख मुस्लिम स्कॉलर अल बरूनी, जिन्होंने पश्चिमी देशों में हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कटास राज में रुक कर ही हिंदुइज्म की पढ़ाई की। अब बात करते हैं हिंगलज माता मंदिर की। सती माता का एक प्रमुख शक्ति पीठ माना जाने वाला यह हिंगलज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल नेशनल पार्क में स्थित है। ये मंदिर एक छोटा सा प्राकृतिक गुफा में मौजूद है। हिंगलज माता मंदिर में जो देवी की मूर्ति है वो मानव निर्मित नहीं है। यहाँ केवल एक छोटा सा सिंदूर से भरा एक निराकार पत्थर है, जिसे माता का रूप समझकर पूजा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि प्रजापति दक्ष की बेटी सती उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर भगवान शिव के साथ विवाह के बंधन में बन जाती हैं और इस घटना से क्रोधित दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वो सती और शिव के अलावा बाकी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं। शिव की बातों को न मानकर सती यज्ञ में जा पहुंचती हैं, जहां दक्ष सती और उसके पति शिव की बेइज्जती कर देते हैं। सबके सामने अपने पति के इंसल्ट को न सह पाने वाली सती दक्ष के यज्ञ की अग्नि में कूदकर जान दे देती हैं और अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बारे में जानकर शिव वहां पहुंचते हैं और वहां से सती की लाश लेकर क्रोध और शोक में वहां से निकल आते हैं।
इसे देख भगवान विष्णु सती की लाश को 108 अंगों में विखंडित कर देते हैं, जिसमें से सती के 52 अंग धरती पर गिरकर शक्तिपीठ बन गए थे। ये माना जाता है कि सती का सर हिंगलज में गिरा था। इस मंदिर से जुड़ा दूसरा बिलीफ यह है कि लोकल मुस्लिम्स ये मानते हैं कि हिंगलज माता दैवीय है और स्थानीय लोगों की रक्षा करती हैं। वो इन मंदिर को नानी मंदिर कहकर पुकारते हैं। पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लोकल मुस्लिम भी नानी की हज कहलाने वाली तीर्थयात्रियों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि रावण के मरने के बाद राम अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहीं कुछ समय बिताए, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण होने के साथ साथ भगवान शिव और माता दुर्गा के भक्त भी थे। अगर बात करें कराची में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर की, तो ये हनुमान मंदिर 1500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और ये कराची में सोल्जर बाजार के पास स्थित है। पाकिस्तान का सबसे प्राचीन मंदिर होने के कारण ये मंदिर हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हनुमान जी की यह 8 फीट की ब्लू एंड व्हाइट मूर्ति कई सेंचुरीज पहले उसी जगह से पाई गई जहां आज ये मंदिर स्थित है। इस मूर्ति में हनुमान जी के 5 एस्पेक्ट्स जैसे नरसिम्हा, आदिवराह, हयग्रीव, हनुमान और गरुण देखने को मिलते हैं। ये माना जाता है कि इस मंदिर के 108 बार चक्कर काटने से सारी विपत्ति खत्म हो जाती है और इसी बात के कारण ये मंदिर सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए सिटाडेल ऑफ हीलिंग यानी कि चिकित्साशाला बन चुका है। इस मंदिर का जिक्र अलबरून की किताब किताबुल हिंद में पाया जाता है। ये मंदिर उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जो इंडिया के ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद भी मंदिरों के तोड़फोड़ से बचकर आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं 160 साल पुराने श्री वरुण देव मंदिर की। वरुण देव मंदिर पाकिस्तान के कराची से दक्षिण की ओर स्थित मैनोरा कैंटोनमेंट के समुद्री तट पर बना हुआ है। ये मंदिर सागर के देवता वरुण देव को समर्पित है। ये मंदिर सी लाइन से थोड़े ही ऊपर की ओर बना हुआ है और ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वरुण देव सागर का देवता है, मगर पूरे इंडिया में कहीं भी एक भी मंदिर नहीं है जो वरुण देव के लिए समर्पित हो। वहीं कराची में वरुण देव के लिए मंदिर होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के कई एरियाज में बड़े पैमाने पर हिंदुइज्म प्रैक्टिस की जाती है। वरुण देव को पूजने वाले भक्तों में अधिकतर लोगों का जीवन यापन समुद्र से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मछुआरे। अधिकतर लोगों के लिए वरुण देव और झूलेलाल एकदम समान हैं। झूलेलाल सिंध के सभी रिवर्स एंड वाटर बॉडीज के प्रिजाइडिंग स्पिरिट हैं। माइथोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भोजोमल नैन्सी भाटिया नामक एक वेल्दी सेलर ने इस आइलैंड को कलट के खान से खरीदा था। भाटिया और उनके परिवार वालों ने मिलकर ये मंदिर की स्थापना करी। आज वहाँ केवल एक बड़ा स्क्वायर बिल्डिंग है जो एक रेज प्लेटफॉर्म में बना गया, जिसमें वरुण देव की मूर्ति रखी गई है और इसी को वरुण देव का मंदिर माना जाता है। हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल में ब्लैकिश मार्बल से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वरुण देव मंदिर के अलावा यहाँ एक और छोटा सा शिव शंकर का मंदिर है, जहाँ हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो आज भी अच्छी कंडीशन में है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के बाद कुछ लोगों ने वरुण देव की इस मंदिर को तोड़कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, जिसके चलते इस मंदिर को सील कर दिया गया। अगर पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों की अगर हालिया सिचुएशन की बात करी जाए, तो ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट द्वारा की गई सर्वे में पाकिस्तान में स्थित हिंदू मंदिरों के बारे में कुछ शॉकिंग आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार पार्टीशन के समय पाकिस्तान में मौजूद 428 माइनॉरिटी प्लेस ऑफ वर्शिप में से 408 जगहों को 1990s के बाद टॉय स्टोर्स, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है। इंडिया में 1992 में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन के बाद पाकिस्तान में क्रोधित मुसलमानों ने पाकिस्तान के लगभग 200 मंदिरों पर हमला बोला और भारी नुकसान पहुंचाया। सच ये है कि पाकिस्तान में आज के समय में ज़्यादा पैमाने पर हिंदू टेम्पल्स बचे नहीं हैं। प्राचीन मंदिरों की मूर्तियाँ भी गायब हैं और कुछ मंदिर बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। लेकिन इतने कम्युनल वायलेंस के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने कुछ प्रसिद्ध और प्रमुख हिंदू मंदिरों को प्रोटेक्ट किया है, जिससे लोगों के बिलीफ्स एंड सेंटीमेंट्स जुड़े हैं। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिसके दर्शन के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट समय समय पर इंडिया से पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में होने वाली हिंदू फेस्टिविटीज में भाग लेने के लिए हिंदू तीर्थयात्रियों को अलाउ करता है। साथ ही साथ हम ये अभी बात नकार नहीं सकते कि कई मंदिर काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं और अगर सही वक्त रहते उनकी मेंटेनेंस ना किया गया तो कुछ समय बाद ही इन मंदिरों के गायब होने के चांसेस भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।